सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। या मल्टीपर्पज है यात्रा, मल्टीपर्पज समझ गए होंगे, बहुउद्देशी। रेट तय होगा गन्ने का, गन्ने के रेट की भी तो बात करेंगे। 450 रुपए प्रधानमंत्री 10 साल पहले कहा, भाई हम 450 रुपए का रेट प्रति क्विंटल किसान को देंगे, न कहा हो तो आप ही बता दो। और भरी पंचायत में कहा, मोदी ने मेरठ में कहा था। बिजली वालों का बड़ा आतंक गांवों में मचरा, कोई गांव ऐसा नहीं मचरा जिस पर तक कहीं कहीं लाख रुपए इन्होंने लूट न लियो। अगली यात्रा इस किसान ने क्रांति यात्रा की तैयारी कर रखी और वो कलेक्ट्रेट की तैयारी है। भाई कट क्यों नहीं दे रहे, कहने जी किसान ट्रैक्टर लेगा आसानी से दिल्ली चला जाकरगा। क्या तर्कविहीन इन लोगों के इनकी बात है, तर्कविहीन, कोई तर्क नहीं, कोई वो नहीं। कहने ये आसानी से ट्रैक्टर लेगा दिल्ली चला जाकरगा, इस वजह से कट ना दो इन्हें। जुनून में नौजवान है, जुनून में सब किसान है, यहाँ व्यापारी भी जुड़ गया, यहाँ विद्यार्थी भी इस आंदोलन से जुड़ रहा। जो पहले राजा महाराजा में मांग कर थे नहीं मदद, आज संकट की घड़ी भाई, यहाँ से मारे पे भी काम नहीं चलने का, देखो साफ बात है। इस संकट आज की इस पंचायत की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, खापो के चौधरी हो, तपे के थामदेदार हो, और सबसे बड़ी बात सौर समाज का इस आंदोलन में साथ मिला, बहुत समय बाद साथ मिला, तो एक बार पूरे सर्व समाज को भाई ताली बजा कर उनका धन्यवाद करो। नहीं तो एक ठप्पा लग जा रहा था कि नहीं एक बिरादरी चल रही, यू ठप्पा बहुत खतरनाक है। अधिकार पद यात्रा 2 दिन की अधिकार पद यात्रा थी, मांग करी आप लोगों ने, वैसे अधिकार मांगे तो नहीं जा करते, तो एरिया यो ब्लड तो छीनने वाला है अधिकार। यहां LIU प्रशासन भी होगा, यहां इंटेलिजेंस भी होगी। हम लोग जिद्दी लोग हैं और स्वाभिमानी हैं, धोखाधड़ी हम बर्दाश्त नहीं करते, हमारे साथ आप लोगों ने धोखा करा। ना हम DM का नाम जानते, हम नहीं नाम जानते यहां कलेक्टर का किसी का, कौन आ रहा कौन जा रहा। हम तो जानते हैं कि बस शामली का कलेक्टर है, शामली के कलेक्टर ने यहां काम जब शुरू कराया था ये कह के कराया था कि जी हम यहां पे कट देंगे। और भाई अब नाठ रहे तो धोखाधड़ी का, तो हमने तो तैमूर लंग नहीं छोड़ता, कहां की बातचीत कर रहे, कहां हमें उलझाने की बात कर रहे, हमने तो 1857 का हमारे बुजुर्गों का इतिहास है। हम लोग किसी भी इसमें नहीं होने के, ना हम धोखाधड़ी को मानने के, धोखाधड़ी कर रखी यात्रा पक्के पर्पज उद्देश्य या मल्टीपर्पज है यात्रा, मल्टीपर्पज समझ गए होंगे, बहुउद्देशी। रेट तय होगा गन्ने का, गन्ने के रेट की भी तो बात करेंगे। 450 रुपए प्रधानमंत्री 10 साल पहले कहा, भाई हम 450 रुपए का रेट प्रति क्विंटल किसान को देंगे, न कहा हो तो आप ही बता दो। और भरी पंचायत में कहा, मोदी ने मेरठ में कहा था, 10 साल का अनुपात लगा लो, होना तो चाह 20 किसान 10 को घटा दे, अगर 10 रुपए जोड़कर उस टाइम पे यू 550 रुपए प्रति क्विंटल में मान जाया गया, इसको बता दो, मनवा दो भाई, चाह दो 20 रुपए क्विंटल के हिसाब से हर साल, लेकिन 550 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट चाहिए। खर्चे बहुत हैं, बहुत खर्चे इस किसान के बढ़ रहे, ये भी है। बिजली वालों का बड़ा आतंक गांवों में मचरा, कोई गांव ऐसा नहीं मचरा जिस पर तक कहीं कहीं लाख रुपए इन्होंने लूट न लियो। इनका भी देख लो, भुगतान की बातचीत है, गन्ना सुगर मिल टाइम पे चले उसकी भी बातचीत है। और ये तो अधिकार पद यात्रा है, यहां कान खोल के सुन ले रहा भाई इंटेलिजेंस LIU प्रशासन। अगली यात्रा इस किसान ने क्रांति यात्रा की तैयारी कर रखी और वो कलेक्ट्रेट की तैयारी है भाई। और क्रांति यात्रा का अगर भूल गए हो प्रशासन तो 2018 का आप लोग इतिहास देख लियो। अरे ये नोएडा वाले कह गए थे, एक नारा लगा कर थे, जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, ये हमें तो अभी पता लगा, हम तो नहीं सोच रहे थे भाई
नोएडा वाले पता नहीं क्यों करो जाए इस नारे को लगाओ मेरे। तो भाई नारा भाजू को भाई पसंद आया यहाँ को, तो क्योंकि जमीन तो हमारी है। अब हमारे क्योंकि लंबा नहीं रहते, दो चीज गलत दिशा पे प्रशासन चल रहा, जांच कराई क्योंकि सारी चीज पंचायत में खोल देनी चाहिए, हमारे भी सब बातचीत हो जाए, सब तरह के माध्यम के हमारे भी लोग हैं, जांच कराई कहने जी ये देखो ठीक है तूने इस हाईवे के नजदीक नजदीक कोई जमीन का 3-4 साल में बैनामा तो नहीं करवाया, ये बतानी जरूरी है भाई। अरे समझा, या लेगा मंसूरपुर तो यात्रा है, इस ताक के लोग बैनामे की जरूरत नहीं मारी है भाई, कोई आप किसी को गलत फहमी हो, ये सारी किसानों की जमीन सब मारी भी इनकी है, इनकी भी मारी है भाई, इसे तो बैनामे की जरूरत नहीं है। और दूसरा भाई एक और बताया कहने जी कट क्यों नहीं दे रहे, कहने जी किसान ट्रैक्टर लेगा आसानी से दिल्ली चला जाकर, क्या तर्कविहीन इन लोगों के इनकी बात है, तर्कविहीन, कोई तर्क नहीं कोई वो नहीं, कहने जी आसानी से ट्रैक्टर लेगा दिल्ली चला जाकर, इस वजह तो कट ना दो इन्हें, सर्विस रोड दे देंगे 60-65 करोड़ रुपए लगा देंगे, लेकिन उतार चढ़ाव नहीं देने के, उतार चढ़ाव मिलेगा भाई, यहां जिम्मेदारी शामली कलेक्टर की है, इसे अपने आप कर ले, नहीं तो क्रांति यात्रा की तैयारी हो चुकी, जुनून में नौजवान है, जुनून में सब किसान है, यहाँ व्यापारी भी जुड़ गया, यहाँ विद्यार्थी भी इस आंदोलन से जुड़ रहा, ये तो एक जागृति सी तो करी, और होगी जागृति गोले वालों को पता लग गया, कहते कहने ढेर फायदा, सोरम वाले भी कहते, पूर्व आलियान वाले भी सभी कहने लगे सभी को फायदा है, ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ कुछ हो जाएगा, यहाँ आवागमन के साधन हो जाएंगे, तो ये रोड भी चौड़ी होगी, यहाँ कुछ ना कुछ उद्योग धंधे कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगे। तो एक नारा भाई वही, जमीन हमारी आपकी, शामली के डीएम लोग ने गई आवाज, जमीन हमारी आपकी, दोनों हाथ आगा कह दो, जब तक दुखी किसान रहेगा अभी तो नहीं लड़ाई है। धन्यवाद। एक नारा भाई किसान शहीदों के लिए जरूर, उन्होंने बहुत प्राणों की आहुति आपके संगठन में दे रखी, वो जीवित है, 38 साल संगठन को होली है, तो वो परमात्मा नाम की शक्ति है, उन शहीदों की वो है ये संगठन चल रहा, नहीं तो 38 साल संगठन नहीं चलते, देश की आजादी का 20-25 साल का तो गैप रहा, नहीं तो आप लोग तो फिर अपना लड़ाई में अपने उसमें लग रहे। तो उनके लिए मैं कहूंगा किसान शहीदों का बलिदान उस वरीय शक्ति को आप लोग मानते हुए कहेंगे कि याद करेगा हिंदुस्तान, किसान शहीदों का बलिदान, किसान शहीदों की बलिदानी, जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन, जय भाज्यो कट। हेलो, मैं दीपक हेमा मंदपुर का, जहां हो मैं इसके स्टेज के पीछे आ जाओ।